आज फिर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, गणेश चतुर्थी के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ फिर से स्वागत करते हैं। आइए, आज फोर्थ डे है, आज फिर से हम आपको आरती, भोग का दर्शन, गणपति बाबा का दर्शन सब करवाएंगे। तो चलिए हमारे संग जुड़े रहिए और आगे भी दिखाएंगे। और सोच सोच कर बोल रहे इसलिए क्योंकि आज भी मन बनाया कि एक रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करें जो कि पप्पा के लिए है विशेषकर। और आइए एंजॉय कीजिए, आरती का एंजॉय कीजिए। मैं एक रेसिपी दिखाऊंगी आप लोग को, तो आज मैं हम पप्पा को जो है वड़ा पाव खिलाते हैं। तो वड़ा पाव तो हमको बनाना नहीं पड़ेगा, पर हाँ वड़ा तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले हम लोग आलू को छील के उसको मैश कर लेते हैं। पहले सारे आलू छील लेते हैं, उसके बाद सब मैश कर लेंगे। ठीक, मैंने मैश इसको कर लिया है। और पहले से मैश कर लेने से ये अच्छा सुविधा ये रहता है कि आपको कढ़ाई में जाके करना नहीं पड़ेगा। चलिए अब इस समय हम लोग गैस के पास चलते हैं। हालांकि मैंने गैस तेल पहले चढ़ा लिया था जो कि मैं इसको रिफाइन से करूंगी। आइए पहले इधर चलते हैं। देख लीजिए मैं इसमें क्या डाल रही हूँ। इधर जो है कड़ी पत्ता है, ग्रीन चिली है, और ये है मस्टर्ड सीड और हींग। मैंने इतना ही मसाला डाला, इससे ज़्यादा मैं मसाला नहीं लूँगी। और उसके अलावा हल्दी और नमक पड़ेगा, पर पहले मैं इसका तड़का लगा दूँ, उसके बाद आलू डालूँगी। बहुत ज़्यादा चिटकता है इसलिए मैंने ढक दिया है। अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, एक चम्मच हल्दी, और
एक चम्मच में भर के नमक डाल दूँगी, बस इतना मसाला काफ़ी है। और मैं इसी समय में आलू भी डाल दूँगी। मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, सारे मसाले को अच्छे से मिला के खूब अच्छे से फ्राई करूँगी। मैंने इसमें मिर्चा कम दिया है, पर ये थोड़ा सा स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर पापा का भोग है इसलिए वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने मिर्चा कम दिया है। मेरा ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसे ठंडा करूँगी और उतने देर में हम बेसन वाला जो है इसका बैटर बना ले रहे हैं, क्योंकि इससे जो वड़ा बनाएंगे तो बेसन से ही बनाएंगे ना, तो उसको चलिए हम लोग इतने देर में हम लोग बैटर को तैयार कर लेते हैं, उतने देर में ये ठंडा भी हो जाएगा। ये मैंने कल बेसन दिया है, यहाँ पे लगभग 2 कटोरी भर के है, और मैं बेकिंग सोडा दे रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही नमक भी दूँगी। नमक अपना टेस्ट अनुसार कीजिएगा, नमक ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। और 1/2 चम्मच लगभग मैंने हल्दी दिया। इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका इसमें पानी मिला के इसको एक मोटा घोल बनाना है, जो कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बनाइएगा, और थोड़ा मोटा हमें गाढ़ा चाहिए, पतला बिल्कुल मत कर दीजिएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाइएगा। चलिए हम लोग पहले घोल बना लेते हैं। ये देखिए मैंने कितना गाढ़ा किया है, आप लोग समझ सकते हैं, मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए तभी जाके जो है अच्छा वड़ा बनेगा। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब हम लोग इसको आलू का जो है एक छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं। बॉल किस तरह का बनेगा, एक एक बॉल दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को। इस तरह का बॉल बनाइएगा और उसके बाद इसको हमको बेसन में डिप करना। पहले मैं सारे बॉल बना लूँ। मैंने तेल पहले बता दिया था, मैं पूरा रिफाइंड में कर रही हूँ, और कोशिश कीजिएगा रिफाइंड में या वनस्पति में ही करने का, सरसों के तेल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और तेल मेरा गर्म हो गया, मैं गैस को धीमा कर रही हूँ इस समय। और ये रहा, मैं एक बॉल लिया और ये देखिए आराम से छोड़िएगा। मैं इसको खूब अच्छे से लाल होने तक मैं फ्राई करूंगी, और इस समय मैं गैस को तेज कर दे रही हूँ। अब मैं उतार रही हूँ इसे, मेरा मैं जितना लाल चाहती हूँ मेरा उस तरह का लाल हो गया है। आप लोग चाहो तो और भी लाल कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, पाव के साथ इसका ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए पप्पा के लिए जो है हम लोग तैयार हो गए हैं वड़ा पाव लेकर, चलिए पापा को चढ़ा देते हैं, और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए जो पापा को पसंद आए। आइए आरती के साथ भोग चढ़ाते हैं।
आपसे विदा लेने के लिए बैठे हैं इस समय, पप्पा के पास बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं हमारे पप्पा बहुत प्यारे लग रहे, क्योंकि मेरे पप्पा छोटे से हैं, बहुत स्वीट है। और अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि बहुतों को पता लगे कि हमारे घर में भी पप्पा आए हैं, आप सबको हम दर्शन करा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और शेयर लाइक दोनों तीनों चीज़ कीजिए, ये हम अनुरोध कर रहे हैं। और अगर पसंद आ रहा हो या कुछ बोलना हो या कुछ हम लोग की कोई गलती हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हैं। हम फिर कल मिलेंगे, आज के लिए हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, आप सबका मंगलमय हो। ये शब्द बोलकर इस समय अलविदा लेते हैं।